हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने सेकंड वीडियो लेके जेएनवी सग्गा का। जो फर्स्ट तो मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड का मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो ये भी आपको मिल ही जाएगा शाम को। आई होप मेरी वीडियो कोई तो आगे जाए और थोड़ी सी व्यूज़ लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ से वीडियो इस तरीके बनाते से व्यू आता है। ये इधर का एक हाउस अरावली हाउस है, ये नीलगिरी हाउस होगा। ये जूनियर बच्चों का है, सीनियर बच्चों का नहीं, ये जूनियर बच्चों का है और ये सीनियर बच्चों का है। जूनियर सीनियर अलग अलग रखते हैं बच्चों को। यहाँ बच्चे जो है अपना कपड़े वगैरह धो लेते हैं, गर्मियों में नहा भी लेते हैं, वरना सारी व्यवस्था तो अंदर होती है बाथरूम की। ये है फुटबॉल ग्राउंड एक, और ये एक ग्राउंड है जो आप देख रहे हो। एक मैं जो आगे वाला दिखा चुकी हूँ आपको पहले, यहाँ पे ये भी नया बना है। यहाँ पे कुछ बच्चों का जिम बन रहा है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं सोच रही थी कि सभी की जो है वॉइस ओवर करूं, लेकिन जब मैंने खुद वीडियो देखी और आवाज़ सुनी ना बैकग्राउंड में, तो अच्छा लगा, नेचुरल आवाज़ ही बड़ी अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे वॉइस ओवर कर दूँगी। तो नेचुरल आवाज़ वाकई बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग इन्जॉय करिए। और इस साइड में फिर मैं आ गई, यहाँ पर भी हॉस्टल्स बने हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। मेरा घर दिखाती हूँ, है ना, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना इस साइड वाली, ये है मेरा घर इधर, ये है एक हॉस्टल, ये है। ये कौन सा हाउस है? कनिष्ठ उदयगिरी, कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटे बच्चों का। मैं दिखाती हूँ आपको, ये लिखा है, ऐसे लिखा रहता है गाइस, ये उदयगिरी सदन कनिष्ठ, मतलब कनिष्ठ मतलब छोटे बच्चों का ना। उधर स्टाफ के क्वार्टर्स हैं जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, वो कनिष्ठ था, वो छोटे बच्चों का हॉस्टल था। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे शिवलिक सदन वरिष्ठ, यानी कि ये बड़े बच्चों का हॉस्टल है। इसमें बच्चे आ रहेंगे 9 to 12th वाले बच्चे, है ना, वरिष्ठ में। कनिष्ठ में 6 to 8 आते हैं, 8th क्लास तक के बच्चे आते हैं। ये भी है, बहुत बड़ा होता है ना नवोदय, अगर आपने देखा होगा, डीपली देखा होगा तो बहुत बड़ा होता है। हम लोग तो यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, सबसे पहला ट्रांसफ़र हमारा आसाम में था, फिर उसके बाद में फरीदाबाद का था, ये फिर अब हम यहाँ पे हैं करनाल में। ये आप सामने देख रहे हो, इसमें कुछ एनसीसी का कुछ सामान है, कुछ वैसे इतना सामान है, क्योंकि तोमर सर के पास ना एनसीसी भी हैं, वो एनसीसी मतलब एनसीसी ऑफिसर भी है ना, तो वो यहाँ पे सीनियर के एनसीसी को संभालते हैं। इस साइड में स्टाफ क्वार्टर्स है ना, ऐसे लगे रहते हैं यहाँ पे बैनर वगैरह। आज लग रहा मैंने आपको सारा ही दिखा दिया, लेकिन इसको वीडियोस में 2 parts में करूँगी मैं, बड़ी हो जाती है फिर आप स्किप करते हो। ये मैस है सारा, एक साइड में गर्ल्स का ने बॉयज़ का, और एक साइड में गर्ल्स का, सब घूमने लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सबसे मेन ग्राउंड, इस ग्राउंड में स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब मॉर्निंग की प्रेयर, हर चीज़ यहीं होती है, जो भी स्कूल में मेन चीज़ होती है, गेम्स वगैरह, फंक्शन, सब चीज़। और ये सीधा रोड जो आप देख रहे हैं, यही मेन गेट है सामने जाके, फिर उसके बाद स्कूल की मेन बिल्डिंग आती है। और यहाँ पे देखिए, इस तरफ भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं ढेर सारे। और यहाँ पे देखिए, ग्राउंड में बच्चे शाम को खेल रहे हैं, और टीचर्स भी शाम को मतलब इवनिंग मॉर्निंग वॉक सब यहीं पर करते हैं। और मैं आ गई हूँ गार्डन में, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था पहले की फर्स्ट पार्ट की वीडियो में। बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें, टमाटर है, धनिया है, और रोज़ेज़ हैं, अलग अलग टाइप के कलरफुल लगे हुए हैं, और क्या लगा हुआ है, और इसमें धनिया है बहुत सारा, बैगन है, और मिर्च के पौधे, मतलब जो भी सब्जी है सारी। अभी तो मैंने उस साइड तो गई नहीं हूँ,
एक ही लाइन में आके मैंने बना ली है वीडियो, वो भी मेरे को फास्ट मोड पे करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता स्किप। आप मुझे लगता है छोटी बनाओ तब भी आप स्किप करते हो, बड़ी में तो आप करते ही करते हो, तो क्या करें, वीडियो तो हमने बनानी ही है ना, दिखाना तो है आपको, कुछ तो दिखाएंगे अगर वीडियो बना रहे हैं तो। छोटी बना देंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आ नहीं पाती हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगे भी, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है ना, तभी तो पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी मेरी। तो प्लीज़ कमेंट्स फॉर मी, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए।